हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक पैट्रियार्की। इससे पहले हम ऑलरेडी और वीडियोस भी कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, जो आप जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पैट्रियार्की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पैट्रियार्की का मतलब ये होता है, अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृ प्रधान सत्ता। हमारा जो समाज है उसके अंदर जो एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक प्रणाली है, वो कैसी है? पितृ प्रधान है। मतलब जहां पर मेल जो है उनका डोमिनेशन रहता है सोसाइटी के अंदर। आप लोगों ने अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि जो फादर लाइक फिगर होते हैं, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, आपके चाचा हो गए, और भी जो ग्रैंडफादर हो गए, उन लोगों का ना एक सिस्टम, उन लोग का रूल होता है आपकी फैमिली के ऊपर, जो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी फैमिली के अंदर क्या होगा। तो क्या हुआ कि एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है उनकी, ठीक है, हमारी सोसाइटी के, हमारी जो फैमिली है, सोसाइटी है, उसके ऊपर। तो इसको रीड करते हैं। पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम। क्या है? सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक प्रणाली है, इन विच फादर और अ मेल एल्डर, जहाँ पे फादर या फिर मेल एल्डर जो है उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। फादर या मेल एल्डर, मतलब कोई भी आपके पिताजी हैं या कोई भी मेल एल्डर है, भाई है, बड़ा बड़ा छोटा कोई भी है, उसकी अथॉरिटी होती है फैमिली ग्रुप पे। वो डिसाइड करेंगे कि आपकी फैमिली के अंदर क्या होगा, है ना। अगर मैं इसको बाय एक्सटेंशन, वन और मोर मैन एक्सर्ट एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अगर एक से ज्यादा मैन आपकी फैमिली में है तो उन सब का कलेक्टिव रोल जो होता है, कलेक्टिव अथॉरिटी जो होती है, वो हमारी कम्युनिटी के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर रूल करती है, वो है ना। तो ये होता है हमारा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब पितृ प्रधान प्रदेश, जहाँ पे समाज में जो आपकी मेल लाइक फिगर्स हैं उनकी, उनका रूल चलता है किसके ऊपर? फीमेल ऑफ द सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। तो लिटरली मींस रूल ऑफ फादर और पैट्रियार्क। लिटरली इसका मतलब ये होता है कि फादर का रूल या फिर पैट्रियार्क का रूल, ठीक है। तो एग्जैक्टली पैट्रियार्की कहाँ से डिराइव हुआ? पैट्रियार्की इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैटर, पैटर का मतलब फादर, और आर्क मतलब रूल ऑफ अथॉरिटी। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ और कंबाइन करके बोलूँ तो क्या होगा? रूल ऑफ अथॉरिटी, मतलब फादर फिगरीन का रूल जो है वो हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड प्राइमरी पावर प्रीडोमिनेट। तो पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है, हमें पता है कि एक सामाजिक प्रणाली है जहाँ पे मैन जो है वो प्राइमरी पावर होल्ड करता है, प्राइमरी पावर होल्ड करता है। अब देखो कहाँ कहाँ होल्ड करता है? पॉलिटिकल लीडरशिप में। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग की सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मेन दिखेंगे, फीमेल बहुत कम दिखेंगे। यस, रिप्रेजेंटेशन है लेकिन कम है, है ना। एग्जाम्पल ले लो, प्राइम मिनिस्टर हमारे कितने रह चुके हैं वेमेन, और मैन कितने रह चुके हैं, कंपेयर कर लो। एक ही है इंदिरा गांधी, उसके अलावा सारे मेल हैं हमारे पीएम पोजीशन पे। प्रेसिडेंट देख लीजिए, पर प्रेसिडेंट हमारी अभी ऑनरेबल मिसेस ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू हैं, और उससे पहले जो हैं वो इंदिरा गांधी, वो सॉरी प्रतिभा पाटिल रही। उससे पहले हमारे इन दो प्रेसिडेंट्स को लेकर के वुमेन प्रेसिडेंट कभी कोई नहीं रहा। तो ये क्या दिखा रहा है कि मैन जो है वो सुपीरियर है, है ना। हम लोग नो डाउट वुमेन को रोल दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप में, मॉरल अथॉरिटी में, आपकी कोई भी मॉरल अथॉरिटी है वहां पर भी मेल ही आपको बताएंगे कि आपको मॉरलिटी के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं। सोशल प्रिविलेजेस, सोशल प्रिविलेजेस में भी मेल को सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं। और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर भी आप देखेंगे तो कंट्रोल किसका है, किसका है? मेल का है। आप हर चीज़ें जहाँ भी आप देखेंगे सुपीरियर पोजीशंस पे आपको मेन ही दिखाई देंगे, वेमेन एज कम्पेयर टू मैन कम ही होती हैं, ठीक है। तो ये पैट्रियार्की आखिर ऑपरेट कैसे करती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो कैसे ऑपरेट करती है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट देखते हैं अटैचिंग जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हम जो पैट्रियार्की है, हम जो अब हमारे जो मेल और फीमेल है उनके साथ हम कुछ जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस अटैच कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमें पता है कि मेल जो है वो ब्रेडविनर है, उन्हें जाना है, जाकर पैसे कमाने हैं, और फीमेल जो है उनका घर का रोल है, उन्हें खाना बनाना है, कपड़े धोने, मतलब हाउस होल्ड कोर्स करने हैं उनको, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि मेल का क्या काम है और फीमेल का क्या काम है, हमने लेबर को डिवाइड कर दिया,
है ना। और मेल की जो लेबर है उसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और फीमेल की जो लेबर है उसको हमने कम इंपॉर्टेंस दी। मेल की जो लेबर है उसको हम इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कमा के ला रहे हैं, और फीमेल की जो है वो अनपेड होती है, इसलिए हम उसको उसके साथ कोई भी रोल जो है उसके साथ जो है हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। सेकेंडरी थिंग, अगर मेल जो है वो, अगर फीमेल जो है वो वर्किंग है तो वो वर्किंग भी होंगी और साथ में घर भी संभालेंगी, तो जो डोमेस्टिक रोल है वो तो फीमेल के साथ अटैच ही है। वो अगर मैन अगर फीमेल जो है वो अगर वर्किंग है तब भी उन्हें डोमेस्टिक रोल्स करने हैं, उन्हें सुबह उठकर खाना बनाना है, उसके बाद ही अपने ऑफिस जाना है, या अगर वो ऑफिस में है, ऑफिस अगर उनका वर्क फ्रॉम होम है तो अगर उनका चाइल्ड उनके साथ है तो उन्हें उसकी केयर भी साथ के साथ करनी है। मेल के साथ हम ये चीज़ें अटैच नहीं करते, नो डाउट चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट इतनी अभी भी चेंज नहीं हुई है। सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोच जो है वो अभी भी एस्टैब्लिश है। नेक्स्ट है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, पेट्रियार्की कैसे ऑपरेट होती है। देखिए मेल कैसे कंट्रोल कर रहा है वुमेन को, वायलेंस करके, किसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट। कैसी वायलेंस टाइप्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हम सबने सिखा है, सुना है, और न्यूज़पेपर्स में हम डेली पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार। तो डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू, डाउरी रिलेटेड वायलेंस, दहेज प्रथा के लिए वायलेंस, कि हम लोग न्यूज़पेपर में जैसे आता है कि दहेज हत्या हो गई, दहेज हत्या, तो क्या होता है कि वो लोग जो मेल के परिवार वाले होते हैं वो मांगते हैं कि हमें फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, या इतने पैसे लेकर आओ अपने घर से, और जब वो लेडी नहीं ला पाती तो फिर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसको किल कर देते हैं लोग, कभी जला देते हैं, कभी और भी चीज़ें कर देते हैं, या उसको मजबूर कर देते हैं उस काम को करने के लिए, या फिर उसे खुद ही मार देते हैं। नेक्स्ट है एसिड अटैक्स, एसिड अटैक्स वेरी प्रोबेबल, और हमने यहाँ पे एक मूवी भी आई थी जहाँ पे एसिड अटैक की जो पीड़िता थी उनके ऊपर वो वीडियो बनाई गई थी, वो मूवी बनाई गई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो एसिड अटैक सबसे ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है, जब आप, जब कोई सोसाइटी में क्यों होता है एसिड अटैक, अगर हम देखें तो जैसे किसी मेल लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया तो उस लड़की ने क्या किया, मना कर दिया, तो वो उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं कि आपकी ब्यूटी को वो ख़राब कर रहे हैं, है ना, और उससे उसकी क्या होती है, लाइफ ख़राब हो जाती है। न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आए दिन आते रहते हैं। तो एसिड अटैक्स भी एक प्रिवेलेंट फॉर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का, या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का, ठीक है। नेक्स्ट है रेप केसेस, रेप केसेस निर्भया केस सबको याद होगा, या फिर अभी रिसेंटली हम मणिपुर का केस ले लें, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेप केसेस बहुत ही प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, आप छोटी बच्ची को ले लीजिए या बहुत ही एल्डर वुमेन को ले लीजिए, सब लोग रेप केसेस के जो हैं वो लोग पीड़ित हैं, है ना। एसिड अटैक्स हम लोग, ये रिपीट हो गया है, एसिड अटैक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैरिटल रेप, मैरिटल रेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो कोर्ट है उसमें इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं। मैरिटल रेप होता है शादी के बाद रेप होना, यानी कि वुमेन की, वाइफ की बिना मर्जी के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होना, उसको ज़बरदस्ती करना, उसे ही मैरिटल रेप कहते हैं। तो शादी के बाद रेप होना, इसे मैरिटल रेप कहते हैं, और इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए हमारी जो कोर्ट्स हैं वो डिस्कशन इसके ऊपर कर रही हैं, डिबेट्स चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर पे गैप, जेंडर पे गैप, हमें पता है कि वुमेन जो है उनको लेस सैलरी मिलती है देन मैन, जबकि दोनों के दोनों अगर सेम पोजिशन में हैं, स्टिल सेम पोजिशन में होने के बाद भी जो है वो वुमेन को सैलरी जो है वो कम मिलती है, 82% अप्रॉक्स 82% जो है वुमेन को कम सैलरी मैन के से रिलेटेड मिलती है, है ना। तो ऐसा ये जेंडर पे गैप जो है इस तरीके से भी जो है वो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी के अंदर ऑपरेट हो रही है। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, तो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिक्स और लीडरशिप में, है ना, बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स का। ये मजबूरी है कि मैन को, वुमेन के को पॉलिटिक्स में लीडरशिप देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने रिजर्वेशन MLA लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और PRIs में दे रखा है, इसलिए उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो हम कभी भी देखते हैं वुमेन बहुत कम ही हमें दिखती हैं जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे, या लीडरशिप रोल्स में क्या सोच लेते हैं कि नहीं, लीडरशिप रोल में हम वुमेन को नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है उनको फैमिली ड्यूटीज ऐसी आ जाएं कि वो उसको अच्छे से रोल को प्ले ना कर पाए, या फिर वो छोड़ दें अपनी जॉब को। तो फीमेल्स को ना बहुत कम ही रखा जाता है एक डोमिनेंट, एक ऊपर वाली पोजिशन पे, क्योंकि जो फीमेल हैं उनको मदरली रोल से अटैच किया जाता है।
चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम। चाइल्ड मैरिज, आप राजस्थान हरियाणा चले जाओ, चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रेविलेंट है, नो डाउट इसको बैन कर दिया गया बट स्टिल ये अभी भी प्रेविलेंट है। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, हम लोग ये क्रिमिनलाइज्ड है, उसको इसके लिए एक्ट है, लेकिन फिर भी डाउरी सिस्टम जो है हमारे यहाँ प्रेविलेंट है। और वो सिर्फ इसलिए प्रेविलेंट है क्योंकि हम सोसाइटी में अपना एक स्टेटस शो करना चाहते हैं कि हमने क्या दिया। और डाउरी का जो है वो हमने रोल, जो नेम है ना, वो चेंज कर दिया है कि हम क्यों दे रहे हैं डाउरी, क्योंकि जो है हम सिर्फ अपनी बेटी को दे रहे हैं, या फिर लड़के वाले कहते हैं आपको अपनी बेटी को जो देना है अपने मन से वो दीजिए, है ना। तो ये डाउरी सिस्टम होता है, इसकी वजह से भी जो है वो फीमेल जो है वो सप्रेस्ड हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। हम लोग डाउरी सिस्टम को कई बार बात करते हैं कि भाई इसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन जो लग्जरी फैमिलीज़ हैं, जो एक रिच फैमिलीज़ हैं, एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, वो ही इसको ज़्यादा ऊपर ला रही हैं, क्योंकि एक शादी का एक स्टेटस सिंबल बना लिया है कि हम कि किसने अपनी शादी में कितने पैसे खर्च किए। तो ये एक स्टेटस सिंबल की बात हो गई है डाउरी सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है जिसकी वजह से मेल जो है वो कंट्रोल करते हैं वेमेन को, ठीक है। सन की प्रेफरेंस एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रेफरेंस टू सन, भाई ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर कि बेटे का होना बहुत ज़रूरी है अगर फादर को एक कहते हैं ना मुक्ति मिलने के लिए, तो वो सन प्रेफरेंस जो है, और उसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हो जाता है कि फीटिसाइड भी हो जाता है, इन्फेंटिसाइड भी हो जाता है। बच्चे छोटी लड़कियों को लोग छोड़ जाते हैं, मार देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पैसा खर्च होगा, और मेल के ऊपर अगर पैसा खर्च होगा तो वो पैसा घर के घर में ही रहेगा, है ना। तो सन की प्रेफरेंस या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहां से मेल जो है वो फीमेल को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन्स मोबिलिटी एंड फ्रीडम। वुमेन की मोबिलिटी और फ्रीडम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। आप हॉस्टल्स में जाइए या फिर अपनी लाइफ में देखेंगे तो वुमेन को बता दिया जाता है इतने बजे तक घर आ जाना, लेट क्यों हो गए, ऊपर मत जाओ, नीचे मत जाओ, बाहर मत जाओ, या फिर अकेले यहाँ मत जाओ, अकेले ट्रैवल मत करो, है ना। ये सारी चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर आए दिन सुनने को मिलती हैं। हॉस्टल्स में 5 बजे तक लड़कियों को बाहर घूमना अलाउड होता है, जबकि लड़के रात भर घूम सकते हैं, 9 बजे 10 बजे तक आराम से घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अलाउड नहीं होता। तो जो वुमेन की मोबिलिटी है उनके चलने फिरने पर भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है मेल ने, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने, ठीक है। तो ये रहा, अगर हम बात करें तो ये था हमारा पेट्रियार्की। तो इसको कंक्लूड करते हैं, पेट्रियार्की क्या है? एक सिस्टम है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का, जो जेंडर है उसको बांटने का एक तरीका है। पेट्रियार्की क्या है? जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का एक तरीका है, एक सिस्टम है। इट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर, एक समाज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ क्या आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह, अकॉर्डिंग टू विच मैन आर सुपीरियर, जिसके थ्रू क्या है मैन जो है सुपीरियर है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम है, एक हमारे दिमागों में बैठा हुआ एक फितूर है कि मेल जो है वो सुपीरियर है फीमेल से, है ना। तो क्या है पेट्रियार्की? पेट्रियार्की सोशल स्ट्रक्चर भी है और एक आइडियोलॉजी भी है। और जब आइडियोलॉजी आ गई तो समझ लीजिए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी रिजिडली जो है ये हमारे दिमागों में बैठी हुई है, है ना। तो दिस आइडियोलॉजी कंट्रोल्स पीपल्स माइंड एंड सोशल सिस्टम। और ये आइडियोलॉजी क्या करती है? पीपल के माइंड को और सोशल सिस्टम को कंट्रोल करती है। एग्जैक्टली, जो भी हमारे दिमाग है ना वो इसी आइडियोलॉजी के थ्रू चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, और सोशल सिस्टम जो है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर मेल ऊपर होते हैं, फीमेल इंफीरियर हैं, है ना। तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, समाज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आपकी पेट्रियार्की वाली सोच है तो आपका दिमाग भी वैसा ही काम करेगा, आपका सोशल सिस्टम जो है वो भी वैसा ही काम करेगा, तो ठीक है। तो क्या था पेट्रियार्की? पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पर मेन जो है वो सुपीरियर है वुमेन से, ठीक है। तो ये था हमारा पेट्रियार्की को लेकर के एक वीडियो। इससे पहले हम ऑलरेडी और भी वीडियोस कवर कर चुके हैं, आप लोग जाइए और जाकर के उन वीडियोस को देखिए, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये था हमारे आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।